कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेब गुसैया, कोई अल्लाहे। धर्म विच साबतां अते सलोकां तो ही जाने जाण वाले भगत कबीर जी का इन्हां दिनां विच जन्म होया। कई महान ग्रंथां ते किताबां तो इन्हां दे अनोखे जन्म बारे जानकारी मिलती है कि एक विधवा औरत इन्हां नूं जन्म दे के एक तालाब दे कंडे ते कमल दे फुल विच छड गई। कई ग्रंथां विच दस्या जांदा है कि कमल दे फुल विच एक रब दे रूप विच ही तालाब दे कंडे तो नीरू ते नीमा नां दे दो पति पत्नी नूं कमल दे फुल विच तालाब विच मिले, जो कि एक जलाहा जाति नाल संबंधित रखते सन। हुण यह तालाब अद्धा ही रह चुका है, बाकी तालाब विच मंदिर ते मस्जिद बना दित्तियां गईयां ने, जो कि बनारस विच स्थित है। ते जदों भगत जी वड्डे होए तां इन्हां दा ब्याह लोई जी नाल होया ते कमल ते कमली दो नां दे बच्चे इन्हां दे कुखों जन्म लिया। भगत कबीर जी पहला तो ही कोई ज़्यादा पढ़ाई ना की, पर उन्होंने अंदरों ही यह भगती विद्या प्राप्त हुई, जिस तो इन्होंने बहुत सारे श्लोक कवितावान भी लिखाइया। पहला तो उन्होंने रामानंद जी ने अपना गुरु ही मान लिया, पर गुरु रामानंद जी ने इन्हों ना मनिया, कहा असी कोई सिक्ख्या नहीं दे सकते। एक दिन उन्होंने पता सी सवेर वेले जो 4 बजे के करीब वो नदी पर गए तो उन्होंने पहला जाने तो ही उत्थे पै गए और रामानंद जी दे उन्होंने ठेडा बजा और रामानंद जी ने राम राम कहा। फिर जदों उठ के भगत जी अपना गुरु मनन लगे तो उन्होंने कहा कि असी तेनों अपना भगत नहीं बना सकते। उस दिन तो ही भगत जी ने अपना गुरु रामानंद जी नूं मन्या अते केवल 2 शब्द राम राम ही प्राप्त कीती ते बाकी इन्हां दे अंदरों ही प्राप्त हुई। इसे तरह कई ग्रंथां ते शब्दां द्वारा यह पता लगता है कि जेकर भगत कबीर जी अज दे समें भी मौजूद होंदे तां इन्हां नूं सैकड़े जेलां विच जेल कटनी पैंदी, क्योंकि ये अपने बचना ते अते सच ही बोलदे सन। जे कोई इन्हां नूं कहिंदा कि तू हिंदू जां मुसलमान है तां इह हर एक नूं जवाब दिंदे अते श्लोकां द्वारा शब्दां द्वारा समझाउंदे रहिंदे। पर एक बार एक मुसलमान ने जो कि महान अपने आप नूं मन्नदे सन उन्हां द्वारा बहस होई अते फिर इन्हां नूं उत्तों दे बादशाह कोल लिजाया गया। जो बादशाह कोल इन्हां दी शिकायत की गई अते बादशाह द्वारा इन्हां नूं सवेर वेले सद्या गया, पर भगत जी शाम वेले उत्थे पहुँचे। एक बखरे पहरावे विच गल विच तुलसी दी माला ते मत्थे ते तिलक सिर उत्ते पग बन के उह सुल्तान जी कोल गए अते इह बादशाह इन्हां दीआं गल्लां तों प्राप्त हो के उन्हां नूं छेती ही छड्ड दित्ता। सिख धर्म विच क्यों इन्हां नूं इन्ना महान अते याद कीता जांदा है, वो ये कारण है कि भगत कबीर जी दी महान रचना विचों वजीक नां दी रचना महान मन्नी जांदी है ते दूजे नंबर ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मौजूद भगत कबीर जी दे लोक अते शब्द जिन्हां दी गिनती लगभग 200 शब्द अते 243 श्लोक हन, जिन्हां करके ही सिख धर्म विच इन्हां नूं जाणिया जांदा है। कबीर ग्रंथ वाली दी रचना अते होर कई रचनावां फारसी पंजाबी अरबी भोजपुरी होर भाषावां विच लिखवाईयां गईयां कबीर जी द्वारा। जिस तरह अनोखा इन्हां दा जन्म होया उसे तरह अनोखी इन्हां दी मृत्यु मन्नी जांदी है। इस ग्रंथां विच मिलदा है कि सन 1518 ईस्वी विच 120 साल की उम्र भोग के, कई ग्रंथां विच दस्या जांदा है कि 1496 ईस्वी विच इन्हां दी मृत्यु हुई, पर जो मृत्यु हुई उसनों भी एक पूरा चंगी तरह बयान नहीं ये दस्या जाता है कि वह वेले एक अनोखी जगह पर चले गए अते फिर बाद विच भगतां दे भालण तों पता लग्गिया कि उत्थे भगत जी उस जगह ते भगत कबीर जी नहीं सन अते एक चादर ही मिली। इन्हां गल्लां नूं देख के मन्निया जा सकदा है कि भगत कबीर जी नूं परमात्मा द्वारा एक दुनिया नूं सोधण वास्ते जो अपने आप नूं कोई भी धर्म दे ना मन्ने अते कोई जात पात ना रखी अते दुनिया नूं सुधारन वास्ते ही भेजा गया होए, इन्हां नूं ही देख के सिख धर्म दे गुरुआं ने अपनी गुरबाणी विच उत्थे महान भगतां नूं जगह दित्ती। उन्हां विचों एक भगत कबीर जी नूं भी लिखिया अते सिख धर्म नाल डूंघियां जानकारियां लई अपने चैनल ते बने रहो। सिखी ज्ञान चैनल नूं सबसक्राइब करो जी।